हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मक्के के आटे से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चीला, और जिसको आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले चीले के लिए बैटर बनाते हैं। तो उसके लिए एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें एक कप मक्के का आटा डाल देंगे। तो ये एक कप मक्के का आटा 250 ग्राम के करीब है। इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच इसमें क्रश करा हुआ अजवाइन, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मिक्स कर लेते हैं इन सभी को अच्छे से पहले, और उसके बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए, सभी मसालों को हमने आटे में मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अब एक कप में हमने गर्म पानी लिया है, जो जिस कप से हमने मक्के का आटा लिया था उसका हाफ कप है ये। तो इससे हमने गर्म पानी लिया है, इसका बैटर बनाएंगे। तो एक कप डाला है, काफ़ी थिक है, एक थोड़ा सा पानी और डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। तो एक साथ सारा पानी ना डालें, फिर से पानी डाल रही हूँ मैं। और ये देखिए, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं इसे मिक्स करती रहूँगी। तो अभी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है ये, थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें, फिर से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और मिक्स भी हमें ऐसे करना है कि इसमें एक भी लंग्स ना पड़े। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अब इसे अच्छे से विस्पर की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे, ताकि इसमें एक भी हम गाँठे ना पड़े। तो ये देखिए, तो टोटल इसमें हमारा 2.5 कप पानी लगा है छोटे वाला। तो ये देखिए, इस तरीके का एकदम थिक जो बैटर हमारा तैयार हो गया, एक भी लंग्स नहीं है इसमें। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं, और एक चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हो, आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक हो चुका है जो हमारा ये बैटर है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। तो इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, और पतला इसलिए कर रहे हैं हम ताकि जब हम इसे तवे पे डालें तो ये अच्छे से फैल सके, इसलिए इसको थोड़ा सा हमें पतला करना है। तो देखिए, इस तरीके का ये बैटर हमारा जो है ये तैयार हुआ है। ये देखिए, तो अब गैस पर तवा रख देते हैं और इसमें हम 1/2 चम्मच तेल डालेंगे, और इस तेल को हम एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरीके से देखिए फैलाकर पोंछ देंगे। चारों साइड ऐसे अच्छे से फैलाना है इसको तवे पर हमें, और फिर इस जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको पोंछ देंगे। अभी हमें इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे हेल्दी नाश्ता भी कह सकते हैं। और ये देखिए, तवा को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और तवा जब गर्म हो जाए हमारा तो फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और इस पे बैटर डालेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से फैला फैला के, और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा चीला कैसा भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा चीला बना रही हूँ। तो ये देखिए, अब लो फ्लेम पर इसको हम पकने देते हैं। तो 1-2 मिनट के बाद, जब ये थोड़ा सा ये 1-2 मिनट पक जाए, तो उसके बाद देखिए साइड में इस तरीके से हम स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, ताकि जब साइड से ये चिपके नहीं। तो अच्छे से इस तरीके से ऑयल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, 1/2 चम्मच ऑयल हमारा इसमें यूज़ हुआ है। और इसको अब पकने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, पर जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी चीला हमारा ये बनता है। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट अच्छे से पक रहा है ये। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर से ही दिख रहा है कि थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। और अब इसको पहले साइड साइड से देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे अच्छे से, आराम से, ताकि जो चीला है हमारा टूटे नहीं, क्योंकि मक्के का आटा है तो इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो ये टूट सकता है जल्दी से। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसको हैंडल करना है हमें। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से, दूसरी साइड हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे से ही इस तरीके से हमारा पक चुका है। 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाया है। और अब देखिए, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, और ये देखिए एक दूसरी साइड से कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी सा ये बन रहा है। और दूसरी साइड इसको पलट देंगे पहले, और 1 मिनट इसको ऐसे ही और पकने देते हैं, उसके बाद हमें इसको निकाल लेंगे। तो ये एक चीला हमारा तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम सारे चीले तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए,
सारे चीले हमने तैयार कर लिए हैं और मैंने इसे टमाटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करा है। आप जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं उसके साथ सर्व करें। और ये देखिए एकदम ऊपर से एकदम कुरकुरा सा ये हमारा चीला बना है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ डिफरेंट सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।